कभी भी अनजान व्यक्ति से दिया हुआ कोई भी सामान ना खाए ना पिए। यात्रा के दौरान कभी भी गेट पे बैठ के यात्रा ना करें। अक्सर ऐसा देखा जाता है, खासकर लड़के लोग गेट पर बैठ के यात्रा करते हैं, बैठते हैं, गाड़ी जो है तेज चलती है उसमें नींद आ जाता है और वो अपना नीचे गिर जाते हैं, अपना जान जोखिम में जान के वहां बैठते हैं। इसलिए कभी भी गेट पर बैठ के यात्रा ना करें, सीट पर बैठ के यात्रा करें, गेट के अंदर रहे, यात्रा सुरक्षित यात्रा करें। यात्रा के दौरान प्लेटफॉर्म पर आते हैं, स्टेशन पे आते हैं, कभी भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेलवे ओवरब्रिज का प्रयोग करें, रेलवे लाइन को पार ना करें। अक्सर ऐसा देखा जाता है, रेलवे लाइन को पार करते समय गाड़ी आ रही है, जा रही है, उसको आदमी ध्यान में नहीं देते हैं और रेलवे लाइन पार करते हैं और वो घायल हो जाते हैं, अपनी जान जोखिम में गवा बैठते हैं। कभी भी रेलवे लाइन पार ना करें, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ऊपरी पैदल पुल का प्रयोग करें। यात्रा के दौरान यदि कोई भी समस्या आती है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, जैसे किसी की तबीयत खराब हो गया हो या किसी का सामान छूट गया हो या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, एक रेलवे का टोल फ्री नंबर है 139 139, इसमें पैसा नहीं लगता है, फ्री बात होती है। इस पर आप कॉल कीजिएगा कि मेरा ये सामान गुम हो गया है, मेरा तबीयत खराब है या किसी भी प्रकार का समस्या है, वो समस्या को बताइएगा ताकि समस्या का निदान अगले स्टेशन पर किया जाएगा। कभी भी कोई भी समस्या हो 139 याद कर लीजिए, 139 टोल फ्री नंबर है, 139 पर बात कीजिए, आपकी समस्या का निदान अगले स्टेशन पर किया जाएगा। यात्रा के दौरान खासकर पुरुष यात्री जान लीजिए, यात्रा के दौरान कभी भी महिलाएं के लिए जो आरक्षित कोच होते हैं उसमें यात्रा ना करें, महिलाओं के लिए जो आरक्षित कोच होते हैं उसमें यात्रा ना करें। अगर यात्रा कर रहे हैं तो वो कानूनन अपराध है, पकड़े जाने पर आप दंड के भागी हो। कभी भी यात्रा ना करें महिलाएं कोच में। ओके, धन्यवाद।